हाय, आर्यन मोटिवेशनल स्पीकर से मैं राम रहा है। दोस्तों, मानसून क्या है आइए इसको समझते हैं। पर इसको समझने से पहले कुछ और बातें जान लेते हैं। वर्षा कैसे होती है, बारिश की बूंदें आसमान से कैसे गिरती हैं, आइए इसको पहले समझते हैं। दोस्तों, समुद्र, तालाब, पोखरे, धरती पर बहुत सारे ऐसे जल जो सूरज की गर्मी से वात्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा छोटे छोटे कणों के रूप में आसमान में तैरते रहते हैं। जब बहुत सारे धूल धुएं आसमान में जाते हैं, लगभग 15 किलोमीटर पर जा कर के उनसे सटते हैं, और सटने के बाद बहुत सारे वाष्प और बूंदें सटने के बाद बूंद का रूप धारण कर लेते हैं। यही बूंद जब पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से उन्हें अपनी तरफ खींचती है तो धरती पर वो आकर गिरते हैं, और यही वर्षा कहलाती है। दोस्तों, अब आइए समझते हैं मानसून क्या है। दोस्तों, दक्षिण पश्चिम भारत की तरफ से हिंद महासागर और अरब सागर समुद्र की तरफ से जब सूरज की गर्मी से वहाँ का पानी वाष्पोत्सर्जन क्रिया के माध्यम से ऊपर जाता है और ठंडा होकर के दक्षिण पश्चिम भारत के स्थल की तरफ आता है, यानी केरल की तरफ आता है, तो स्थल गर्म होने की वजह से वहाँ पर मानसून बन जाता है, पानी बन जाता है, और वही पानी वहाँ बारिश करने लगता है। दोस्तों, यही बारिश जो सबसे पहले दक्षिण पश्चिम भारत केरल की तरफ और फिर अन्य भारत में जो बारिश होती है, पूरे भारतीय महाद्वीप में बारिश होती है, यही बारिश मानसून कहलाती है। और यह मानसून जून के महीने से शुरू होता है और सितंबर के लास्ट तक पूरे भारत में, पूरे भारतीय महाद्वीप में बारिश होती रहती है। ये बारिश मानसून कहलाती है। मानसून को बारिश का मौसम कहा जाता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।